नमस्कार। आज की इस परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज की इस परिचर्चा में हम यह समझेंगे कि टेलीविज़न काम कैसे करता है, टेलीविज़न केंद्र की आधारभूत बातों को समझना, टेलीविज़न प्रोडक्शन की तकनीकी को जानेंगे, टेलीविज़न कार्यक्रम बनाने वाले लोगों और उनकी विशिष्ट जिम्मेदारियों से परिचित होंगे, टेलीविज़न कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान निर्देशक के विभिन्न कमांड और क्यू से परिचित होंगे, टेलीविज़न मीडिया के विकास को समझेंगे, निजी न्यूज़ चैनल्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि टेलीविज़न क्या है। टेलीविज़न ग्रीक एवं लैटिन भाषा से लिया गया एक संयुक्त शब्द है। टेली शब्द ग्रीक भाषा का है जिसका अर्थ है दूरी, और विजन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है मैं देखता हूँ। टेलीविज़न हमारे युग का एक महान चमत्कार है। टेलीविज़न दर्शकों को सुदूरवर्ती स्थानों पर घटने वाली घटनाओं को प्रत्यक्षदर्शी बनाने में मदद करता है। आधुनिक संचार क्रांति में टीवी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। टीवी तो किसी राष्ट्र की प्रगति का प्रामाणिक व्याख्याता है, यह राष्ट्र के स्वरूप का दर्पण है। समस्त संचार माध्यम में टीवी ही परिवर्तनकारी तत्व है। विगत 10 वर्षों में अपने देश का संपूर्ण परिदृश्य ही बदल गया। न कोई परिवार सैर सपाटे पर निकल रहा है, न पार्कों में हो हल्ला मच रहा है। अधिकांश लोगों की नज़र टीवी पर गड़ी रहती है। कोई सीरियल छूटने न पाए, अब तो सप्ताह के दिनों का टीवी सीरियल के माध्यम से पहचाना जाता है। पहले रविवार छुट्टी का दिन माना जाता था, जिस दिन बड़े इत्मीनान से रुचिकर कार्यों को पूरा किया जाता था, पर अब तो प्रमुख धारावाहिकों ने गृहिणियों को इस प्रकार व्यस्त कर दिया कि पुरुष वर्ग खिचड़ी खाकर ही चुप बैठ जाते। वस्तुतः दैनिक जीवन में टीवी की घुसपैठ ने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इसके माध्यम से हमारे जीवन में सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है। जब रेडियो संचार प्रणाली द्वारा ध्वनि दृश्य संकेतों को प्रसारित करना संभव हुआ तो संचार जगत में क्रांति मची। टेलीविज़न संचार का वह साधन है जिससे किसी कार्यक्रम के चित्र और ध्वनि का प्रसार दूर दूर तक होता है। हमारी रुचि बदल रही है। विभिन्न तेल, शैम्पू, साबुन, वाहन और विद्युत उपकरणों के बिना अब हमारा काम ही नहीं चल सकता। वीडियो हमें सिनेमा हॉल से दूर रखता है, किंतु पर्सनल सिनेमा, फैमिली सिनेमा, प्राइवेट सिनेमा, एक्सपर्ट सिनेमा को बढ़ावा देता है। जिस तत्परता से अपने देश में टीवी केंद्रों का जाल बिछा है, उसी तेजी से तथा तत्परता से अपनी संस्कृति भी परिवर्तित हुई है। तात्कालिकता, घनिष्ठता और विश्वसनीयता के कारण टीवी सामाजिक परिवर्तन लाने में सर्वाधिक सशक्त जनसंचार माध्यम है। जो आदर्श शिक्षक, विकास अभिकर्ता, मनोरंजनकर्ता और सूचना देने वाले के रूप में लाभ एवं लोभ रहित समाज का निर्माता है। इंग्लैंड में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार बाल अपराध के मूल में टीवी द्वारा प्रदर्शित अपराध दृश्य है। वस्तुतः हर देश की युवा पीढ़ी के उठने, बैठने, चलने, मुस्कुराने में टीवी का अभूतपूर्व योगदान है। यही कारण है कि युवा पीढ़ी को टीवी जनरेशन के नाम से भी पुकारा जाता है। आविष्कार एवं कार्य पद्धति। जेल बेयर्ड ने ब्रिटेन से सन 1926 में टेलीविज़न का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। वास्तव में दूरस्थ बस्तियों और दृश्यों को उसी वक्त स्क्रीन पर प्रदर्शित करने में सक्षम टीवी का आविष्कार क्रमिक और मिलीजुली खोजों के परिणाम स्वरूप हुआ। अमेरिका के ज्योर्वकिन ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। सन 1928 में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित की जिसमें बेयर्ड की मैकेनिकल प्रणाली को असफल करार दिया। टीवी संदेशों को शीघ्र और सही रूप में प्रेषित करने में यह एक क्रांतिकारी विकास था। टीवी के कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए
ध्वनि और दृश्य दोनों को विद्युतीय चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित किया जाता है। ये तरंगे टीवी पर आकर फिर मूल ध्वनि और दृश्य में बदल जाती हैं। टीवी कैमरे में एक ऑर्थिकॉन ट्यूब होती है। दृश्य का प्रतिबिंब एक लेंस द्वारा इस ट्यूब में लगी प्रकाश संवेदनशील प्लेट पर पड़ता है। प्रकाश की तीव्रता के अनुसार प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसके बाद इसको कैथोड रे ट्यूब के द्वारा स्कैन किया जाता है। स्कैनिंग से प्रतिबिंब विद्युत धारा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे वीडियो सिग्नल कहते हैं। इसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करके प्रसारित करते हैं। साथ ही आवाज़ को माइक्रोफोन के द्वारा विद्युत धारा में परिवर्तित करके तथा आवृत्ति मॉड्यूलेट करके प्रसारित किया जाता है। इसे ऑडियो सिग्नल कहते हैं। दृश्य और आवाज़ की ये विद्युत चुंबकीय तरंगे एंटीना से टकराकर हमारे टीवी सेट तक पहुँचती हैं और सेट द्वारा दृश्य तथा ध्वनि में परिवर्तित हो जाती हैं। रंगीन टेलीविज़न। कलर टेलीविज़न की कार्यप्रणाली ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न से मिलती जुलती है। इनके कैमरे के अंदर लगे दर्पणों से आने वाले प्रकाश को तीन फिल्टरों द्वारा तीन रंगों में विभाजित कर दिया जाता है। एक फिल्टर केवल लाल रंग के लिए, दूसरा नीले रंग के लिए और तीसरा हरे रंग के लिए होता है। प्रत्येक रंग का प्रकाश अलग अलग कैमरे के ट्यूब पर पड़ता है। हर ट्यूब में एक अलग ग्लास प्लेट और इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं। ट्यूबों से तीन सिग्नल ट्रांसमीटर में पहुंचते हैं। टीवी का ट्रांसमीटर इन तीनों सिग्नलों को मिलाकर एक कर देता है। इन तीन मूल रंगों के विभिन्न अनुपात में मिलने से टीवी स्क्रीन पर रंगीन चित्र उभरता है। टेलीविज़न प्रसारण। टेलीविज़न प्रसारण के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तकनीकी कौशल वाले यंत्र हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे टीवी कैमरा माइक्रोफोन इत्यादि। सॉफ्टवेयर टेलीविज़न की प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कहलाता है। टेलीविज़न केंद्र की सामान्य गतिविधियाँ। स्टूडियो प्रोडक्शन टीम। टेलीविज़न के लिए कार्यक्रम बनाने में सामान्यतः तीन टीमें मिलकर काम करती हैं, तैयारी करने वाली टीम, प्रोडक्शन टीम और संपादन टीम। तैयारी टीम योजना बनाती है, वह कार्यक्रम की तैयारी करती है। प्रोडक्शन टीम कार्य करती है और संपादन टीम प्रोडक्शन टीम द्वारा बनाए गए कार्यक्रम में से अनावश्यक दृश्यों को हटाता है, उससे जहां जरूरी हो वहां संगीत, विशेष ध्वनि और टाइटल आदि डाला जाता है। निर्देशक तीनों टीमों का मुख्य सदस्य होता है। छोटे पैमाने पर होने वाले प्रोडक्शन में सदस्यों को कई काम करने पड़ते हैं। कई बार चार सदस्य प्रोडक्शन टीम में कार्यक्रमों का निर्माण कर लेते हैं। छोटे प्रोडक्शन केंद्र में एक या दो पूर्णकालिक निर्माता निर्देशक होते हैं और जरूरत पड़ने पर वह अंशकालिक सदस्यों की सहायता लेते हैं। बड़े संगठनों में प्रोडक्शन टीम के सदस्यों के काम व्यवस्थित रूप से विभाजित होते हैं। उनके पद भी विशिष्ट होते हैं। जैसे तकनीकी रूप से ऑडियो निर्देशक का मतलब ऐसे रचनात्मक व्यक्ति से है जो कार्यक्रम के मुताबिक संगीत का चुनाव या निर्माण करता है। ऑडियो इंजीनियरिंग का काम माइक्रोफोन का उचित संयोजन और ऑडियो निर्देशक के निर्देश पर वीडियो टेप में संगीत या विशेष ध्वनि प्रभाव को डालना है। इसी तरह प्रकाश निर्देशक प्रकाश योजना तैयार करता है और कार्यक्रम का मिजाज तय करता है, जबकि प्रकाश इंजीनियर उसके निर्देशों पर बल्बों को व्यवस्थित करता है। पर छोटे संगठनों में एक ही व्यक्ति दोनों काम करता है, उसमें चाहे प्रकाश निर्देशक कह लें या गाफर कह लें या प्रकाश इंजीनियर या लाइटमैन। टेलीविज़न प्रोडक्शन टीम के सदस्य और उनके कार्य। तैयारी टीम में पहले एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, जिसे कार्यकारी निर्माता के नाम से जाना जाता है, एक साथ कई कार्यक्रमों का यह समन्वय करता है, कार्यक्रम निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करता है और बजट को अंतिम मंजूरी देता है। दूसरा जो प्रमुख व्यक्ति है वो प्रोड्यूसर या निर्माता कहलाता है, जिसे कार्यक्रम विशेष का ये प्रभारी होता है। कार्यक्रम की समय सारणी बनाता है, वह लेखक और निर्देशक भी हो सकता है। प्रोड्यूसर के साथ ये है कि वो लेखक या निर्देशक का भी काम कर सकता है। निर्देशक, इस पर स्क्रिप्ट को अंतिम रूप में टेलीविज़न कार्यक्रम में बदलने की जिम्मेदारी होती है। इसे स्क्रिप्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। निर्देशक एक तरह से किसी भी कार्यक्रम का कैप्टन होता है। उस कार्यक्रम की सफलता और असफलता निर्देशक के ऊपर ही होती है।
इसलिए निर्देशक का हर विभाग में जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। लेखक, यह किसी भी कार्यक्रम का या दृश्य का स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। स्क्रिप्ट कई तरह से तैयार होती है, उसमें चाहे वो शूटिंग स्क्रिप्ट हो चाहे स्क्रीन प्ले हो, उसको तैयार करने के लिए अलग अलग लेखक भी हो सकते हैं और एक ही लेखक उन सभी स्क्रिप्टों को तैयार कर सकता है। अगर स्क्रिप्ट किसी कहानी के ऊपर है तो उस कहानी को दृश्य श्रव्य स्क्रिप्ट में तैयार करने की जिम्मेदारी भी लेखक की होती है। कला निर्देशक, किसी भी सेट का ग्राफिक्स है, टाइटल और अन्य रचनात्मक पहलुओं को निर्धारित करता है। आर्ट डायरेक्टर का काम ये भी है कि अगर कोई पीरियड फिल्म बनाई जा रही या फिर कोई इस तरह का विषय है जहाँ पर इतिहास या ऐतिहासिक तथ्य हैं, तो उन तथ्यों को ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल लुक की तरह या ओरिजिनल करना या ओरिजिनल लगे ऐसा बनाना कला निर्देशक की जिम्मेदारी होती है। ग्राफिक कलाकार, जो इलेक्ट्रॉनिक ग्राफिक तैयार करता है, एनिमेशन तैयार करता है, टाइटल प्लेट लगाता है, ग्राफिक डिज़ाइन करता है, वो ग्राफिक कलाकार कहलाता है। तकनीकी निर्देशक, इस पर जटिल विशेष प्रभावों को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। नृत्य निर्देशक, फिल्मों में जो आप गीत देखते हैं, संगीत देखते हैं जिसमें लोग थिरकते हैं, उसकी जिम्मेदारी नृत्य निर्देशक की होती है। वह मेकअप आर्टिस्ट के साथ मिलके, डायरेक्टर के साथ मिलके नृत्य के विभिन्न दृश्यों के अनुसार किस तरह का कपड़ा होगा, कैसा मेकअप होगा, किस तरह से उनके बीच समायोजन होगा, इसकी जिम्मेदारी नृत्य निर्देशक की होती है। सेट निर्माता, इसका काम कला निर्देशक के साथ मिलकर होता है। जिस तरह के सेट तैयार करने हैं उसमें किस तरह की मूड क्रिएट करना है, किस तरह का भाव आना है, ये कला निर्देशक के सहमति से सेट निर्माता करता है। प्रकाश निर्देशक, इसे गाफर भी कहते हैं, कैसी प्रकाश व्यवस्था होगी इसकी कल्पना करना, प्रकाश स्रोतों का चयन करना, उनकी स्थिति के बारे में बताना और बाकी किस तरह से पूरा कॉम्पोजिशन दिखाई देगा, इसकी जिम्मेदारी गाफर की होती है। ऑडियो निर्देशक, जटिल कार्यक्रमों के ध्वनि ट्रैक का निर्माण करता है। फिल्म का ऑडियो किसी फिल्म को या टेलीविज़न को अच्छा या बुरा की कैटेगरी में लाता है। अब हम स्टीरियोफोनिक साउंड की बात करते हैं जिसमें साउंड या फिर 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1 साउंड भी आ गया है, जिसमें साउंड मैपिंग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल साउंड को क्रिएट करना, इसका काम ऑडियो निर्देशक का होता है। प्रोडक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम में प्रोड्यूसर होता है जिसकी कार्यक्रम का प्रभारी है, कार्यक्रम की समय सारणी बनाता है ताकि वह अबाध रूप से चले। एसोसिएट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की सहायता करने के लिए एसोसिएट प्रोड्यूसर होता है। प्रोडक्शन सहायक, प्रोडक्शन सहायक का काम रिहर्सल के दौरान निर्माता एवं प्रोड्यूसर की निर्देशक की टिप्पणियों को नोट करना होता है ताकि शूटिंग से पहले कार्यक्रम की गुणवत्ता सुधारी जा सके। शूटिंग के दौरान निर्माता व निर्देशक की सहायता करना होता है। निर्देशक, यह स्क्रिप्ट को टेलीविजन कार्यक्रम में बदलने के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार होता है। शूटिंग के दौरान वह कार्यक्रम के प्रतिभागियों, कलाकारों के साथ साथ प्रोडक्शन टीम के सभी सदस्यों को निर्देश भी देता है। सहायक निर्देशक, निर्देशक की सहायता करना और समय सारणी का ध्यान रखना, यह काम सहायक निर्देशक का होता है। प्रतिभागी कलाकार, पात्र, कार्यक्रम में जो भी आप देखते हैं, जिनकी आवाज़ होती है, जो सामने दिखाई देते हैं, वो कलाकार या प्रतिभागी के रूप में होते हैं। कैमरामैन, ये निर्देशक के निर्देश और कैमरामैन अपने स्वविवेक से काम करता है जिससे कि जो कंपोजिशन है, जो आर्ट डायरेक्टर ने सोचा है, निर्देशक ने सोचा है, उसको वास्तविक रूप देना कैमरामैन का काम है। फ्लोर मैनेजर, स्टूडियो की गतिविधियों का समन्वय करना, उपकरणों को यथास्थान रखना, व्यवस्थित करके रखना और प्रतिभागियों को उनकी निश्चित जगह पर बैठाना, उन्हें समय समय पर ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करना। शूटिंग के दौरान वह निर्देशक और निर्देश के प्रतिभागियों को निर्देश जारी करता रहता है। तकनीकी निर्देशक, इसका काम रिकॉर्डिंग के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी जानकारी रखना, किसी तरह की तकनीकी समस्या आने पे वो उनको दूर करता है और साथ में ये देखता है कि कैमरा हो, साउंड सिस्टम हो, सभी निर्बाध गति से काम करते रहे। जनरेटर ग्राफिक, कैरेक्टर ऑपरेटर, हालांकि आजकल कैरेक्टर ऑपरेटर का काम बदल गया है। टेलीविज़न में इस तरह की जो पहले कैरेक्टर जनरेटर आता था उसकी जगह अब कंप्यूटर पे भी काम होने लगा, लेकिन इनका काम
टाइटल करना, प्रतिभागियों के नाम, अन्य सूचनाएं बना के रखना होता है। ऑडियो मैन सीधे प्रसारण के दौरान वह कार्यक्रम में पार्श्व संगीत या विशेष ध्वनि प्रभावों को शामिल करता है। मेकअप कलाकार प्रतिभागियों कलाकारों का मेकअप करना, उनको विभिन्न रूप में लाना, सुंदर दिखाना, एस्थेटिकली उनको ब्यूटीफुल करना मेकअप कलाकार का काम है। लाइट मैन सेट डिज़ाइनर के सहयोग से सेट मंच की प्रकाश व्यवस्था करता है, विशेष बल्बों का चुनाव करता है, उनके स्थान और उनकी दिशा आदि तय करता है। कार्यक्रम के दौरान वह प्रकाश की तीव्रता को भी नियंत्रित करता है। इंजीनियर और तकनीशियन इनका भी उपकरणों के रखरखाव के लिए जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से वीडियो ऑपरेटर रिकॉर्डिंग करता है, स्विचिंग करता है, वीडियो की सारी जिम्मेदारी उसे दी जाती है। स्टूडियो के सारी वस्तुओं और फर्नीचर वगैरह की देखभाल करने का काम भंडारण का होता है। संपादन टीम, संपादन टीम में निर्देशक आता है, स्क्रिप्ट को टेलीविजन कार्यक्रम में बदलने के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार होता है। यह संपादक और ऑडियो मैन को निर्देश देता है, कार्यक्रम में पार्श्व संगीत डालता है ताकि कार्यक्रम का मिजाज विकसित हो। इसी मिजाज को और उसे उभारने के लिए वह उचित प्रकाश व्यवस्था करता है, विशेष ध्वनि प्रभाव डालता है, दर्शकों का ध्यान कार्यक्रम की ओर केंद्रित करने की कोशिश करता है। संपादक निर्देशक के निर्देश के मुताबिक वीडियो टेप को संपादित करने वाले उपकरणों को चलाता है। कभी कभी वह स्वविवेक से भी फैसले करता है। आमतौर पर वह ऑडियो मैन के साथ मिलकर काम करता है। ऑडियो मैन निर्देशक की मांग पर वह वीडियो टेप में अलग से कमेंट्री, पास संगीत या विशेष ध्वनि आदि डालता है और उनका संपादन करता है। वाचक वॉइस ओवर कमेंट्री या मार्गदर्शक के रूप में अपनी आवाज़ देता है। टेलीविजन प्रोडक्शन की आधारभूत बातें, किसी भी टेलीविजन कार्यक्रम चाहे वह सजीव प्रसारण हो या वीडियो टेप रिकॉर्डिंग में कैमरा तस्वीरें लेता है और उन्हें विद्युतीय संकेतों में बदल देता है। इन्हीं विद्युतीय संकेतों को वीडियो कहा जाता है। माइक्रोफोन ध्वनि को पकड़ता है और उसके दूसरे विद्युतीय संकेतों में बदल देता है जिन्हें ऑडियो कहा जाता है। सिंक जनरेटर नामक उपकरण तीसरी तरह के विद्युतीय संकेत करता है जो सिंक कहलाता है। यह टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों को स्थिर रखने में सहायक होता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से वीडियो और सिंक से मिलजुल कर बने संकेतों को कंपोजिट वीडियो कहा जाता है। मॉड्यूलेटर की मदद से कंपोजिट वीडियो को ऑडियो के साथ मिलाया जाता है। मॉड्यूलेटर उन संकेतों के रेडियो तरंगों में बदल देता है। रेडियो तरंगे आकाश में प्रसारित होती हैं, घर घर की छतों पर लगे एंटीना से टकराती हैं जिनमें लगे तारों के जरिए वह टेलीविजन सेट तक पहुंचती हैं। टेलीविजन सेट में लगा ट्यूनर सर्किट रेडियो तरंगों को वीडियो, सिंक और ऑडियो में अलग अलग कर देता है। वीडियो टीवी स्क्रीन पर चलता है, ऑडियो स्पीकर में जाता है और सिंक एक विशेष ऑडियो में पहुंचता है जो तस्वीरों को स्क्रीन पर रखता है। कमांड और क्यू, हालांकि कैमरा तकनीक और दृश्य संयोजन सुनने में ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से कैमरामैन का कार्य है और ध्वनि प्रभाव से वह आभास होता है कि इसके लिए ऑडियो मैन ही पूरी तरह जिम्मेदार है, पर टेलीविजन प्रोडक्शन के लगभग सभी पहलुओं के लिए निर्देशक जिम्मेदार होता है। रिकॉर्डिंग जीवंत प्रसारण के दौरान नियंत्रण कक्ष में बैठा निर्देशक वहां लगे कैमरा मॉनिटर पर निगाहें रखते हुए टीम के सभी सदस्यों को निर्देश देता रहता है ताकि कार्यक्रम सुगमता से आगे बढ़ता रहे। रिकॉर्डिंग से पहले वह टॉकबैक सिस्टम के जरिए टीम के सदस्यों को निर्देश दे सकता है और उन्हें रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए सतर्क कर सकता है। निर्देशक को कार्यक्रम की स्क्रिप्ट से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए और टीम के सभी सदस्य भी उसमें वाकिफ रहते हैं। निर्देशक को यह ध्यान रखना पड़ता है कि खास निर्देश को पूरा करने के लिए सभी सदस्य एक ही समय में सक्रिय हों, यानी समय के मामले में प्रोडक्शन टीम के सदस्यों में तालमेल रहे। हालांकि सभी निर्देशक खुद अपने क्यू विकसित करते हैं जिनसे वे कार्यक्रम के प्रतिभागियों को निर्देश देते हैं, पर वर्षों से इस्तेमाल होते हुए कुछ क्यू मानक हो गए हैं। तालिका मंच प्रबंधक के क्यू, स्टैंड बाय, तर्जनी को छत की ओर रखते हुए हाथ को सिर से ऊपर उठाना, रिकॉर्डिंग कार्यक्रम शुरू होने वाला है। स्टार्ट, तर्जनी को प्रतिभागी कलाकारों की ओर करना, इसका मतलब होता है कि प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू होने वाला है। स्पीड अप, तर्जनी उंगली को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना जिससे पता चलता है कि आप कार्यक्रम में तेजी लाएं। स्ट्रेच डाउन, हाथों को एक साथ लगाकर उन्हें एक दूसरे से दूर खींचना, मानो रबर की डोरी खींच रहे हो, जैसे हम हाथों को एक साथ लगा दें फिर उनको दूर खींचे तो इससे लगता है कि कार्यक्रम धीमे चलाए, अभी बहुत समय बाकी है। टाइम क्यू, मंच प्रबंधक बाकी बचे मिनटों की संख्या बताने
के लिए उंगली दिखाता है, जैसे एक मिनट के लिए एक उंगली, दो मिनट के लिए दो उंगली। तो एक मिनट अगर है तो ये एक उंगली बताती है, दो मिनट है तो दो उंगली बताती है। इसी तरह से कार्यक्रम के बारे में हम बताते हैं। कट, तर्जनी को गर्दन के सामने धीरे से ले जाने का मतलब होता है कि काटने का संकेत हो रहा है, रिकॉर्डिंग खत्म हो रही है, तत्काल रुक सकते हैं। इसका मतलब कि तर्जनी उंगली को अगर हमने ऐसे धीरे से किया, इसका मतलब हुआ कि आप रिकॉर्डिंग खत्म कर दीजिए। वॉक, तर्जनी और मध्यमा से पैदल चलने का उपक्रम करना, जिस दिशा में कहा जा रहा है उधर चले। तो अगर हमें किसी को ये बताना है कि आपको वॉक करना है तो उन्हें इस तरह से संकेत करते हैं, और जिधर चलना है उस उधर की तरफ संकेत करते हैं। दाएं चलना है तो दाएं संकेत, बाएं चलना है तो बाएं संकेत, सीधे चलना है तो सीधे संकेत करते हैं। स्टॉप, यातायात पुलिस की तरह हथेली दिखाकर रुकने का संकेत किया जाता है, इसका मतलब होता है आगे ना जाएं। स्पीक अप, हथेली को गहरा कर कान के पास ले जाना, इसका मतलब कि आपकी आवाज़ धीमी है, थोड़ा तेज करिए। क्लोज टू माइक, हथेली को होठों के पास ले जाना, क्लोज टू माइक, इसका मतलब आप माइक्रोफोन से दूर हैं, आप उसके पास पहुँचिए जिससे कि आवाज़ ठीक से आ सके। लुक हियर, कैमरे के लेंस की ओर उंगली दिखाना, जिसका मतलब होता है कैमरे की ओर देखें। स्माइल, मुस्कुराना और मुंह का इशारा करना, स्माइल मुस्कुराना, और आप थोड़ा गंभीर दिख रहे हैं तो उसके लिए आप स्माइल करिए। रिलैक्स, मंच प्रबंधक अपने अंगूठों को कानों के पास ले जाकर हथेलियों को पक्षी की तरह उड़ने का संकेत करता है, आँखों को गोल घुमाता है और जीभ बाहर निकालता है। आराम से बैठें, आप इस क्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले ऐसा होता है। टेलीविज़न का आरंभ, पॉल निफकॉव 1884 में टीवी के मैकेनिकल स्कैनिंग सिस्टम की खोज की। यह एकल टेस्ट स्पाइरल लेंसों की व्यवस्था थी, जिसमें प्रत्येक लेंस टीवी पिक्चर की लाइन प्रेषित करता था। एक चक्कर में एक टीवी फ्रेम प्राप्त होता था। इसे निफकॉव डिस्क के नाम से पुकारा गया। यह टीवी की महत्वपूर्ण प्रारंभिक अवस्था थी। इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए जनवरी 1926 में जीएल बेयर्ड ने विश्व का प्रथम वास्तविक टेलीविज़न कार्यक्रम प्रसारित किया। प्रथम प्रयोग में वह बेयर्ड ने एक कक्ष से दूसरे कक्ष में टीवी सिग्नल भेजने में सफलता प्राप्त की। 1927 में वह टीवी सिग्नल लंदन से ग्लासगो भेजने में सफल हुआ। यह काम टेलीविज़न के तारों की मदद से किया गया। 1928 में विश्व के पहले प्रायोगिक टेलीविज़न स्टेशन की शुरुआत हुई। बेयर्ड की टेक्निक पर सन 1929 में पहली बार बीबीसी ने टीवी प्रसारण का शुरुआत की। 1932 से उसने नियमित मनोरंजक कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी। 1936 में प्रसारण की यह व्यवस्था उच्च तकनीकी हाई रेजोल्यूशन में बदल गई। रंगीन टीवी सन 1941 में सामने आया। 1949 तक ब्रिटेन और अमेरिका में टीवी आम लोगों में प्रचलित हो चुका था, लेकिन रंगीन टीवी के प्रोग्राम रेगुलर होने में सन 1950 के बाद 1952 से इसकी रेगुलर प्रसारण की शुरुआत हो गई। विकास के चरण को अगर हम देखें तो 1897 में सबसे पहले फर्नांडिन ब्रायन द्वारा कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया गया या आविष्कार किया गया। 1907 में टीवी चित्र हेतु कैथोड रे ट्यूब का उपयोग होना शुरू हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 1923 आइकोनोस्कोप का पंजीकरण हुआ, इसे आधुनिक टीवी पिक्चर ट्यूब का अग्रज कहा जाता है। 1925 से 30 के बीच अमेरिका में श्वेत श्याम प्रसारण प्रयोग चालू हुए। 1938 में जॉर्ज वेलेंसी ने रंगीन टीवी का प्रारूप प्रस्तुत किया। 1949 में क्रोमिनेंस व ल्यूमिनेंस तकनीकी का एक चैनल के रूप में प्रयोग होने लगा। 1975 में सोनी कंपनी ने बीरामैक्स वीसीआर प्रस्तुत किया। 1975 में सोनी कंपनी ने बीटा मैक्स वीसीआर प्रस्तुत किया। 1976 में डॉल्बी धनी की व्यवस्था हो गई। 1978 में फिलिप्स ने पहला वीडियो लेजर डिस्क पेश किया। 84 में पहला उच्चीकृत वीवीआर आया। स्टूडियो टीवी की शुरुआत 85 में हुई। एचडी टीवी की शुरुआत 94 में हुई। अगर हम भारत में टेलीविज़न के शुरुआत की बात करें तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत प्रायोगिक रूप से 1959 में हुई थी। प्रसारण के शुरुआती वर्ष में इसकी पहचान एक श्वेत श्याम माध्यम की तरह थी। श्वेत श्याम तस्वीरों के प्रसारण के साथ भारतीयों के लिए शिक्षा, सूचना और थोड़े से मनोरंजन का इकलौता घरेलू माध्यम था। यह दौर
1982 में बदला जब टीवी प्रसारण रंगीन हुआ। इस समय तक टीवी के पास कुछ फिल्में और संक्षिप्त नाटक, गीत संगीत, चर्चा परिचर्चा और समाचार के कार्यक्रम होते थे। 1984 से भारतीय टीवी के मनोरंजन फलक का विस्तार हुआ। 1984 से ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास के दर्शकों के लिए मेट्रो चैनल के रूप में भारतीय दर्शकों को नया टेलीविजन चैनल की सुविधा भी उपलब्ध हुई। अब दो टेलीविजन चैनल डीडी राष्ट्रीय और डीडी मेट्रो हो गए। 1984 से 1990 तक का दौर भारतीय टीवी जगत में इन दोनों चैनलों के विस्तार और टेलीविजन प्रसारण सुविधा के लिए विस्तार का काल था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जिन्हें टेली मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1984 तक, जब उनकी मृत्यु हुई, लगभग रोज ही एक टेलीविजन रिले स्टेशन का उद्घाटन किया। इस तरह से भारत में टेलीविजन के विकास में उनका योगदान अहम है।